जहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की कार्यकर्ता नेताओं द्वारा यहाँ पर प्रीपेड सिस्टम को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आए दिन आज अगर जम्मू की अगर बात करें तो एक ही मुद्दा है, प्रीपेड मीटर को लेकर आम जनता त्राही माम कर रही है। और ओ सर पिछो इस समय देखिए एकदम से इनके टायर्स को आग लगाते हैं, पर आग भड़ गई। और देखिए इस समय प्रीपेड और इस समय आज जम्मू के अलग अलग एरिया क्षेत्रों में देखेंगे किस कदर से लोगों ने प्रीपेड मीटर का बहिष्कार किया है। लोग कहते हैं जहाँ पर किसी की इनकम अगर 5,000 है, बिल उन्हें 10,000 आएगा तो कैसे भुगतान करेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गौरव चोपड़ा और साथ अन्य इनके जो साथी है वो इस समय प्रदर्शन करते हुए लगातार आज की इस महंगाई के दौर में जहां पर आम जनता को दो वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया महंगाई की मार से, उसी के चलते अगर प्रीपेड के भारी भरकम फरमान अब थोप दिए गए। क्या स्मार्ट मीटर में क्या कमी थी कि आप प्रीपेड मीटर जनता पर थोपे जा रहे हैं? अगर आप स्मार्ट मीटर भी आप लाए थे, डिजिटल मीटर भी आप लाए थे, अब आप प्रीपेड मीटर भी आप लाए हैं, तो खुद सोचिए जहाँ पर 100-200 बिल आता था, अब लोगों का 2,000-3,000 बिल आ रहा, जिसके चलते आम जनता अब रोटी से ज्यादा बिल की चिंता में है। एलजी प्रशासन स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर प्रीपेड सिस्टम बंद करो, प्रीपेड सिस्टम बंद करो। इस समय गौरव चोपड़ा के साथियों ने यहाँ पर रोड के ऊपर आए बंद करो, प्रीपेड सिस्टम बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बिजली का बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो, बिजली का बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो, बिजली का बिल माफ करो, माफ करो। क्या करना चाहेंगे, डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, उनमें क्या दिक्कत थी जो आप प्रीपेड मीटर थोपे जा रहे हैं आम जनता पर? देखिए जब 370 तोड़ा गया था तब बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली होगी, विकास ही विकास होगा, लेकिन आज विकास के नाम पे बिजली के इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। जिन व्यक्ति की आमदन 10 से 15 हजार होगी, 5-5 हजार बिजली के बिल आ रहे हैं, वो अपने घर में राशन कहाँ से डालेगा? आज बताया गया था कि विकास के नाम पे ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, विडो पेंशनें बंद कर दी, आज प्रीपेड सिस्टम की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट को टोटली प्राइवेटाइज कर रहे हैं। बख्शीनगर के लोग, वार्ड नंबर 28 के लोग सभी इसके खिलाफ हैं। हम इसे प्रीपेड सिस्टम नहीं होने देंगे। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब के निर्देश अनुसार मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल कोहली जी, डिम्पा जी, जोत सिंह जी, अश्विनी जी, आप जानते हैं कि जब ये स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे थे तो हमारे बिल जो है 500, 600 या 1,000 बिल आता था। जब से ये स्मार्ट मीटर लगे हैं, जनता को लूटने का जो इन्होंने काम किया है पीडीडी डिपार्टमेंट ने, आज देखिए कि गरीब जनता बिजली के बिल 5-5, 6-6 हजार, 7-7 हजार बिजली का बिल आ रहा है। पंप प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ है, जो मंदिरों का शहर, वाइनशाह माफिया का शहर बना दिया, जो मंदिरों का शहर, माइनिंग माफिया का शहर बना दिया। आज एलजी साहब कहते हैं कि हमने दरबार मुंह बंद कर बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि एलजी साहब क्या यही है यूटी, या टूटी फूटी यूटी कि बिजली के बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं? आज आपको रेवेन्यू की कौन सी कमी है? आज एक्साइज डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, आज माइनिंग डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। आज आपने दरबार मुंह बंद कर जो रेवेन्यू बचाया, जो 270 ट्रक आने जाने में जिसमें रेवेन्यू खर्च होता था, वो रेवेन्यू आपने बचाया। आप देख सकते हैं कि एलजी साहब कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, वो गरीब दुकानदार
जो सिर्फ दरबार मूव के ऊपर पलते थे, वो हाउस होल्डर जो दरबार मूव के ऊपर किराए पे कमरे देकर यहाँ जम्मू में अपना गुजारा करते थे, आज वो सबकी पेट में टांग मारने का काम जो एलजी प्रशासन ने किया है। हम चाहते हैं कि एलजी साहब आप जम्मू कश्मीर को यूपी ना बनाए, हमारी डोगरा विरासत ही वापिस रहने दें, हमारा स्टेट हुड का दर्जा हमें वापिस करें। बिजली डिपार्टमेंट जब स्मार्ट मीटर लगाने का वादा किया था तो उन्होंने कहा था जहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके वहाँ पर 24 घंटे जो है वो बिजली दी जाएगी, क्या लगता है कि स्मार्ट मीटर देने के बाद बिजली? आज भी स्मार्ट मीटर लगने के बाद उतने ही कट लग रहे हैं जितने पहले लगते थे, उससे ज्यादा कट लग रहे हैं। आज स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो वादे हमारे साथ किए गए थे, जो जम्मू की जनता को धोखे में रखा गया था कि आपके बिल जो है कम होंगे, बिजली के कट नहीं होंगे, हम पहले भी टैक्स देते आए थे, हम पहले भी बिजली के बिल देते आए थे, हमने कभी नहीं कहा कि हमारी जम्मू की जनता को मुफ्त बिजली दो, लेकिन हमारी स्टेट में बिजली पैदा होती है और हमें इतने बड़े बड़े बिल पैदा दिए देने जाते हैं। हम प्रीपेड सिस्टम के खिलाफ है, एलजी प्रशासन के खिलाफ है। जम्मू की जनता भुगतान करी बिल देगी, बड़े 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 नेता तो मजे ले रहे हैं जिनके 14-14 लाख 15-15 लाख आज भी जिनमें गुलाम नबी आजाद वो आज भी ऐसी कमरे में है। क्या गया देखिए, जहाँ तक गुलाम नबी आजाद साहब की बात है, उन्होंने अपना बिल क्लियर कर दिया है, पक्का कर दिया है, 100% उन्होंने बिल क्लियर किया, तभी उनकी पार्टी यहाँ पे खड़ी है। क्लियर करने के बाद लेकिन हम गरीब जनता के लिए खड़े हैं, गरीब जनता जो आज वार्ड नंबर 28 की यहाँ जनता रोड पे आई है, हम उसके लिए खड़े हैं। आज जो बिल माफ करने चाहिए जनता के, आज जो विकास की राह दिखाई गई थी, सिर्फ झूठ की राह जो है यहाँ पे दिखाई जा रही है। आप देखें कि जो हमारी जनता जिनके आमदन टोटल 10-15 हजार महीने की आमदन होगी, 5-5 हजार 6-6 हजार अगर बिजली के बिल देंगे तो वो कब अपने घर में राशन डालेंगे? आज बेरोजगारी, आज देखिए कि बेरोजगारी कितनी है। आज जम्मू की जो जनता है, जम्मू का जो युवा है वो बेरोजगार है। जम्मू की जनता को रोजगार नहीं दिया जा रहा, राशन कटौती कर दी गई, बिजली के बिल दे दिए गए, जो विडो पेंशन थी, जो हमारी विडो माता बहनों का एक इकलौता सहारा था जिसके ऊपर घर वाले का सहारा नहीं रहता, वो विडो जो हमारी माता बहने हैं वो पेंशन के ऊपर जी रही थी, 7 महीने से वो पेंशनें बंद कर दी, वो बुजुर्ग हमारे जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, उनके अब उन बुजुर्गों का सहारा था, वो पेंशन बंद कर दी। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, और जहाँ पर देखिए महिलाएं भी हैं और बिजली के बिल कम करो बुजुर्ग महिलाएं आप इन्हें देख रहे हैं प्रीपेड सिस्टम को लेकर। और ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन की अगर बात करें तो किस तरह से ये लोग यानी के बिल भुगतान करते होंगे जिनकी पेंशन पे दरमदार था, और पर ये चीजें आज ट्रांसपेरेंसी लाई है, पर ट्रांसपेरेंसी के चलते आम जनता उसका भुगतान करना पड़े, क्या जनता ये मंजूर कर पाएगी? प्राइवेटाइजेशन की जनता ने वो भी वो चुप करके सहा, पर अब लोगों के जो पहले बिल आते उसके इवज में अब पहले 2-3 महीने ठीक बिल आए, उसके बाद लोगों का कहना है कि लगातार भारी भरकम बिल आ रहे हैं, और जिसके चलते आम जनता आए दिन सड़कों पर उतर रही है। हम बार बार यही कहते हैं कि आप कहते हैं ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, लाइए ट्रांसपेरेंसी, पर वही दूसरी तरह आम जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये ना आपकी ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में गरीब हर एक व्यक्ति सड़क पर उतर आए। आपने कहा था अच्छे दिन, आपने कहा था 5 अगस्त 2019 के बाद खुशहाली ही खुशहाली होगी, माना कई लोगों को, ऐसे जो लोग थे तबके थे जिन्हें उनका हक अधिकार मिला जो कई सालों से वंचित था, पर जम्मू की जो आम जनता उन्होंने क्या बिगाड़ा है जनाब, क्या जम्मू को फिर से वही आप कहते थे कश्मीरी नेता गलत करते हैं, तो आज तो आपके हाथ में कमान है जनाब, केंद्र में सरकार तो आपकी है, फिर ये जो जनता है ये बाहर क्यों है सड़कों पर? हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइए विजुअल, बुजुर्ग भी हैं और देखिए किस कदर यहाँ पर खड़ी हैं। एक तरफ से आप महंगाई के प्रीपेड की मार दे रहे हो और दूसरी तरफ बिजली प्राइवेटाइजेशन कर दी और उसके बाद आपने पेंशनें बंद कर दी, विडो पेंशन, ओल्ड एज, हैंडीकैप पेंशन वो बंद कर दी, ये किस तरह का निजाम चला रहे हैं? कैसे आप 50+ का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? आए दिन जम्मू में अब प्रदर्शनों का शहर में तब्दील हो चुका है, कभी वाइन शॉप को लेकर, कभी मीटर्स को लेकर, कभी बिजली पानी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता हमें जो भी देख रही है, अगर आप सहमित हैं कैसे प्रदर्शनों से तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए,
और अपने अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। और इस समय पूरा रोड इन्होंने बंद किया है, जनता को असुविधा होती है, असुविधा का सामना करना पड़ता है, पर वही दूसरी तरफ यही जनता उनमें से है जिन्हें परेशानी होती है और वो निकल कर बाहर आते हैं। क्या लगता है आपने जब स्मार्ट मीटर लाए थे, डिजिटल मीटर लाए थे, उनमें क्या कमियां थी? जब आपने पहले भी स्मार्ट मीटर डिजिटल मीटर लाए थे उसमें क्या कमी थी कि लाए भी आपने थे, अब आप कह रहे प्रीपेड है उसमें कोई कमी होगी, तभी आप प्रीपेड सिस्टम ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े नेतागण जिनके 14 लाख 5 लाख 10 लाख 8 लाख बिल है, और बड़े बड़े सरकारी इदारे जिनका करोड़ों का बिजली का बिल पेंडिंग है, क्या आपने उनसे भुगतान किया? क्या उन्होंने आपने उन दफ्तरों की बिजली काटी? क्या उन नेताओं के घर की बिजली काटी? ये बड़ा सवाल रहेगा कि आप जनता पर तो अगर 1000 रुपया भी नहीं दे पाए, आप तो पीछे से कनेक्शन काट देते हैं। सबसे पहले इनका कनेक्शन काटिए, आप कहते हैं एक विधान एक प्रधान एक निशान, तो क्या आम जनता के लिए वो लागू होता है? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहे ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।